आपके पापा नहीं आए यहाँ पे? जी नहीं, वो बिजी है. ओहो, इतनी सुंदर मम्मी, वो कहाँ बिजी है. अगर चाहे तो जल्दी जल्दी हमारी शादी हो सकती है. तो बदले में मुझे क्या मिलेगा? मेरे को वीजा मिल जाएगा, आपकी बहनों को जीजा मिल जाएगा. लेकिन मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि जो आपकी लाइफ से मस्ती चली गई है, अभी भी टैबलेट्स मिलती है. आप इतने बड़े लेवल पे अभी आए हो. अच्छा, आप सब लड़कियों के साथ फ्लर्ट करते हो, क्यों? हम जहाँ पे रहते हैं ना, तो वहाँ पे पानी और शर्म 9 से 12 ही आते हैं. तो मैं 12 के बाद जब आता हूँ तो मेरी शर्म जो है. मेरे 3 है. आपके 3 है? जी. वो तो टैबलेट का कमाल है ये. क्या लेंगे आप? साड़ी. आपको साड़ी क्यों लेनी है? इन कपड़ों में ज्यादा अच्छी लग रही है आप. मेरी मम्मी कहती है कि इन कपड़ों में मैं बहुत बढ़के लगती हूँ. मम्मी पापा की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, वो तो प्यार से देखते ना. हमारी नजर तो देखो, बहुत अच्छी लग रही है. हाउ आर यू? वेरी गुड. आई विल से डोंट नो, यू आर टू. वो माँ को देख रहे थे, आप उनकी माँ को देख रहे थे. आप बड़ा अच्छा. रानी, मैं थोड़ा पास आके बात कर सकता हूँ? कितने पास? पास आ जाओ. अभी आपको कैसा महसूस हो रहा है? ऐसे तो मुझे किसी कोच ने नहीं सिखाया. वो सब अच्छे घर के होंगे ना. महाराज, महाराज, दुश्मनों ने हमला कर दिया है. हमले तो होते रहते हैं, 2 मिनट बात तो सुने रहो. ये जो हीरोइंस आती रहती हैं आपके शो पे, आप उनके पीछे क्यों पड़ते हैं ऐसे? नहीं, ऐसी बात नहीं है. हम लोगों ने तकरीबन 140 एपिसोड किए हैं, बीच में फराह खान को मैंने कुछ नहीं कहा. थोड़ी देर पहले एक और लड़की आई थी. अच्छा. मैं स्टार्टर को देख के खुश हो रहा था, मेन कोर्स तब आया. क्योंकि मैं आज आपके लिए राजा बना हूं, तो आपको थोड़ी देर के लिए मेरी रानी बनना पड़ेगा. दिमाग खराब हो गया है क्या? ऐसा समझ लो राजा का दिमाग खराब, पागल राजा की रानी बनी हुई है. साल में एक फिल्म से ज्यादा कंगना करना नहीं चाहती, ज्यादा इसलिए कर रही है, she wants to meet me यार. माँ, मैंने तुम्हारे लिए बहू ढूंढ ली है. कौन बेटा, कौन है ये? ये देखो माँ. लेकिन डार्लिंग, शादी के बाद तुम्हें कम से कम मम्मी जैसे कपड़े पहनने पड़ेंगे, नहीं तो अच्छा लगेगा. मां स्कर्ट में घूम रही और बहू डबल बेड की चादर लपेट के घूम रही है. मैं एक नई चीज ट्राई करना चाहता हूँ, ये इससे वाईफाई किस. दीपू देख, तुम सपनों में आती हो ठीक है, लेकिन ना ये वर्किंग आवर्स में मत आया करो, मैं डिस्ट्रैक्ट होता हूँ. गिव मी हग, आई कांट बिलीव. दो मिनट लगे रहा करो, इतना जल्दी क्या होता. तमन्ना है कि जिंदगी कटती रहे यूं ही, तमन्ना है कि जिंदगी कटती रहे यूं ही. एक तरफ माधुरी, एक तरफ जूही, एक तरफ माधुरी, एक तरफ जूही. बात बताओ, आपके फोटो एल्बम आ गए, म्यूजिक एल्बम आ गए, शादी का एल्बम कब देखने को मिलेगा? मतलब क्या मेरी वेट कर रही हैं आप? हमारा ही तो इंतजार है कपिल, अभी तक तुम समझे नहीं. 3 बार आ चुकी हूं, हिंदी नहीं लेता. समथिंग इज देयर एक्चुअली, लिटिल लिटिल समथिंग. महारे रोटी है, वेरी लिटिल. बट मैंने सिद्धू जी को कहा था कि कपिल बहुत फ्लर्ट करता है, मेरी सेफ्टी के लिए मेरे साथ चल. डॉक्टर साहब, क्या हो गया मेरे चाचा जी को? आप कौन? जी मैं एक्चुअली इनकी भतीजी हूँ, परसों ही लौटी हूँ. इनको बहुत ज्यादा सीरियस प्रॉब्लम है, इनको 5-6 साल इधर रखना पड़ेगा. हाँ? अभी तो तुम कह रहे थे कि 15 मिनट के बाद मैं घर जा सकता हूँ. तो लेकिन आपकी रिपोर्ट तो अभी आई ना, इतनी खूबसूरत रिपोर्ट आएगी, हमें क्या पता था? जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा. तेरे को शाम को मेरे साथ कॉफी पे जाना पड़ेगा. दैट वाज नॉट गाना, दैट वाज माय ऑफर. तो अच्छा लगता है जब बाल बाल करके दिशु. अरे दोस्त, पता क्या, आज आपका लकी डे है. ऐसा कहता है किसी रोमांटिक गाने पे हम थोड़ा सा डांस कर लेते हैं. डोंट मिस अंडरस्टैंड मी. वो क्या आपकी हाइट अमिताभ बच्चन से मिलती है ना, इसलिए मैं आपके साथ इतनी बात कर रही हूँ. क्या लेंगी आप? मेरे गोद पे नहीं आके बैठ गए थे. आपकी उम्र थोड़ी छोटी है.
हमारी फिल्म के अंदर कद्दूओं का डिपार्टमेंट। अच्छा, कद्दूओं का डिपार्टमेंट जो है वो सोनू सूद हैंडल करते हैं, तो आपको सोनू सूद से बात करनी चाहिए। वैसे मैं खुद डॉक्टर हूँ बहुत ज्यादा। क्या 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 आपको डॉक्टर किसने बनाया, कब बन गया? मैं पर एक बंदा और एवर रेडी है। कौन कौन? मेरे पीछे एक है बंदा, बैठा जरा ध्यान से देखो बुआ जी। मेरे को कल एक आदमी कहता इधर बाथरूम नहीं करना, मैंने कर दिया। वो मेरे पीछे इट लेके भागा, मैंने करता करता भागा मैं। मैंने... अरे आप डॉक्टर को बुलाना प्लीज। मैंने बुलाता, मेरा बड़ा एटीट्यूड है। अरे सोनू सूद भाई देख लेते हैं। आई विल ट्राई समथिंग एल्स। मैं बता रहा हूँ 1990 में बहुत कुछ हुआ था। 1990 में इंटरनेट लॉन्च हुआ था और इंटरनेट इतनी कमाल की चीज है, आप जाके कुछ भी ढूंढ सकते हो, कुछ भी देख सकते हो। कमाल कर दिया। अरे शो होस्ट ये करे तो मैं पीछे बैठ के क्या ऑमलेट बनाने वाला हूं भाई साहब। ये व्हाट इज हैपनिंग? अब सर आपका शो इतना पॉपुलर हो गया है कि अब तो जो भी आएगा वो तो इसको होस्ट करने की कोशिश करेगा ही। आपकी पोजीशन काफी डेंजर में है। पता तो होगा ही क्यों आए। फिल्म बना दी एक और आर राजकुमार। तो और सुनाइए कैसे है? बस मतलब ठीक ही है, जब तक आप आए नहीं थे सब अच्छा चल रहा था। शाहिद शूटिंग में बिजी रहते हो, दाढ़ी बनाने का भी टाइम नहीं लगता मतलब। पिछली बार आए थोड़ी कम थी, इस बार और थोड़ी ज्यादा है। ये चोट कैसे लगी? सुना नहीं तुमने मैंने क्या कहा? ये सोनू भैया संभालेगा। मैंने बोला डोंट वरी, टेंशन ना लो, कपिल भाई समाने मेरा, तुम जा बैठे ठीक है। क्या ये पैर पे क्या बांधा हुआ है? ये आधी जुराब क्यों पहनी हुई है? बांधी तो पट्टी है। आज कोई परिवार का मेंबर डिस्टर्ब नहीं कर सकता, क्योंकि वैसे ही जगह नहीं बैठने की, कहां बैठेंगे आप? पहले यहां बैठ जाता हूं। तूने मुझे बताया ही नहीं कि मेरी बारात आई हुई है। हाय रफा, झूठ बोल रही, टाइटैनिक से पहले की है ये। हुआ तो बताओ भाई। देखो जी, किसी को इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है वो किसी और को दे देता है। कोई बात नहीं। Are you ready, सोनू सूद? Hello, Mr. How do you do? Very well, thanks to you. सुनी, पर ना मेरी तो उम्र शाहिद कपूर से भी 3 साल कम है। ए डॉक्टर बाला सिद्धू साहब, ये बात है 1990 की। ए, मेरी बात सुनिए, देखो मेरी बात सुनिए। बकार यूनिट में पहुंचा ना, मैंने तेरी पिटाई करनी है। स्वागत कीजिए सोनाक्षी सिन्हा और जॉन अब्राहम का। हम यहाँ पर बहुत टाइम पहले आ चुके हैं, आप अभी क्यों स्वागत करवा रहे हो? मैं कर देता हूँ। बचपन में एक बार, बचपन में मेरी टीचर कहती बिल्कुल शोर नहीं करना, मैंने वहाँ पे भी कर दिया। मेरे को कहती हाथ उठाओ, मैं कहा छोटी सी बात के लिए मैं आप पे हाथ नहीं उठा सकता है। ये सिद्धू साहब देखिए, 1990 सिर्फ इस बात के लिए नहीं जाना जाता कि उस दिन आप 0 पे आउट हुए थे। आपको बता रहा हूँ, मेरा जन्मदिन था, मैंने ना सलमान खान को बुलाया ना शाहरुख खान को, मैंने कहा दोनों आएंगे, बर्थडे मेरा न्यूज़ इनकी मिल जाएगी। मैंने बताया। How are you, सोनू? I'm fine, कपिल। You love me so much, ना? Too much. Too much. Ow! संभाल। जैसे मैंने वो मैच देखा, इसने आज 0 पे उड़ा दिया। मैं कह रहा हूँ, मुझे बिल्कुल नहीं मजा आया। मैंने कहा अब दूर है। What is happening in front of my back? मैं से हमें भूख लग रही है, तुम कुछ भी बना सकते हो? नहीं, ये क्या मतलब? आप कैसे भाई साहब, क्या मतलब? तेरी दुकान बंद। आर राजकुमार के आगे आर लगाने क्या जरूरत है? सबको भी बताया कि राजकुमार आर से शुरू होता, सी से तो होता नहीं। वेलकम टू कॉमेडी नाइट्स विद कपिल भैया। दिल टूटे टूटे हो गया। फिर कर लीजिए, मैं जाता हूँ। हद होती बारी, जो आता भैया कहता, मेरे मुंह पे क्या लिखा हुआ है? मैं एक्चुअली पाजी से थोड़ा इन्फ्लुएंस्ड हूँ। तो मैं उनके स्टाइल को थोड़ा कॉपी कर रहा हूँ। और सुनाओ सोनाक्षी। और ओ गॉड, आपको चोट लग गई? जी चोट लग गई। Don't worry, मेरे भाई से माने नहीं, तुम लोग, तुम इसको ऑक्यूपाइड रहो, मैं होस्ट करता हूं। आई औरत आई, उसने बोला बाबा जी मैं हक करना चाहती हूँ, तो हम गांव के आदमी वो हगना बोलते तो आपने कहा नहीं, तो आपने कहा नहीं हगलो हगलो। मैंने कहा हगले तो अपने घर में हक आते। तो मैंने बाबा जी यही हगना आपके पास, तो आपके साथ हक करना है। मैंने कहा मेरे साथ हक नहीं करना है, पढ़ो। तो उसने बोला आपके साथ हगना, तो मैंने कहा मैं ऐसे खुलेआम नहीं हगता हूँ।
वो मैं टेंट में बैठा हुआ था, उधर एक बाथरूम बना हुआ था, मैं कहीं इधर जा। Ha 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 ha!